देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात आज इस प्लेस कार्यक्रम के अंदर है निर्दलीय प्रत्याशी लालकुआ विधानसभा से संध्या डालाकोटी। मैडम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। मैडम सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपने कांग्रेस में इतने साल कई पदों पर काम किया, लेकिन कांग्रेस ने आपके साथ जो धोखा दिया टिकट देने के बाद काटा, उसके बाद आपकी नाराजगी हुई, नाराजगी के बाद आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, क्या राजनीति रही आपके साथ और कितना आपने कांग्रेस को अपना समय दिया? देखिए, मैंने 20 वर्ष कांग्रेस संगठन में काम किया, चाहे वो प्रदेश का संगठन है, चाहे जिले का संगठन है, चाहे ब्लॉक का संगठन है। उस समय मेरे को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सम्मानित सदस्य भी बनाया गया, मैं महिला कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही और हल्द्वानी विकासखंड की ब्लॉक प्रमुख रही और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी रही। लेकिन जो आदरणीय प्रियंका जी का नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसी के सापेक्ष पे मुझे कुमाऊँ की, इतने बड़े कुमाऊँ क्षेत्र से दो बहनों को हमें टिकट मिला और मेरा टिकट बेटी दिवस के दिन मुझे टिकट मिला और 26 जनवरी के दिन मेरा टिकट काट दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ क्या कारण रहा, क्या आधी आबादी में से एक महिला जब चुनाव लड़ती है तो उसके साथ ऐसा करना चाहिए? ये अपमान एक लालकुआ विधानसभा की महिला का अपमान नहीं, पूरे उत्तराखंड की महिला का अपमान है। तो आप जिस प्रकार से दुर्गा पाल जी के वहाँ पर गई थी, जब आपको टिकट मिलेगा एक मना सुनने में आकर गेट बंद कर दिए गए थे, तो उस टाइप से कैसा फीलिंग हुआ? फिर क्या उनके जो रवैया आपके प्रति रहा और फिर कांग्रेस ने जो है दोबारा टिकट काट के हरीश रावत जी को मैदान में उतार दिया? देखिए, मैं जब मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं माँ कालिका का आशीर्वाद लेके हमारे क्षेत्र के सीनियर लीडर थे आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा पाल जी के आवास में गई। मैंने कहा उनसे भी आशीर्वाद ले लेती हूँ, लेकिन उनने मेरे जाते ही अपने दरवाजे बंद कर दिए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ उनको, आज जो इतना बड़ी पद की गरिमा मिली हुई है वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी ने दी थी और उसी राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे भी टिकट दिया था। फिर उसके बाद आदरणीय में बड़े भाई साहब हरेन बोरा जी के पास गई, उन्होंने भी ये बोला कि मुझसे मैं अपने समर्थकों के संग बात करूँगा। और हमारे सारे मंचों में जहाँ 500 और चाहे 1000 के लोगों की गैदरिंग में ये बातें होती थी, कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसको चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जब एक महिला को टिकट मिला, वो भी सर्वे के हिसाब से मिला और आदरणीय प्रियंका जी का नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ऐसा क्या कारण रहा जो एक महिला को इनने अपमान सहने के लिए छोड़ा? मैडम, क्या डिसीजन आपने, फिर आपने क्या विचार, आपने महापंचायत में किस प्रकार से लोगों का प्यार मिला, क्या लोगों ने आपसे कहा? देखिए, फिर उसके बाद जब मुझे टिकट मिला, उसके बाद दो दिन बाद 26 जनवरी के दिन मेरा टिकट काट दिया गया, तो क्षेत्र में मातृशक्ति और युवा और बुजुर्गों में अपार आक्रोश था। तो उनने ये बोला कि आप संध्या जी अकेली नहीं हैं, आपके संग हजारों बहनें हैं, हजारों भाई हैं और हजारों बुजुर्ग लोग थे। उनने मुझे एक महापंचायत बुलाई और उसमें ये निर्णय लिया कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ाई लड़ें। और ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, इस क्षेत्र की महिला की लड़ाई है, लालकुआ विधानसभा की महिलाओं की लड़ाई है। वो महिला जिनको लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। मैडम, आप लालकुआ सीट और सीट मानी जाए, आप मुख्यमंत्री से आप सीधी टक्कर, चर्चाओं में ये आ रहा है कि संध्या डालाकोटी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को पछाड़ सकती है। 2012 का जो समीकरण है, 2022 का समीकरण सेम हो रहा है, तो क्या लगता है अगर जीत दिलाती है क्या कांग्रेस में आप जाएंगी? देखिए, ये सभी सम्मानित जनता की जीत होगी जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, जो मेरे साथ लगे हुए हैं संघर्ष के साथ, एकता के साथ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये मेरी लालकुआ विधानसभा की महिलाओं की जीत है, युवाओं की जीत है और बुजुर्गों की जीत है। मैडम, मैंने पूछा क्या आप जीतते हैं तो क्या कांग्रेस में जाएंगी? नहीं नहीं, मैं कांग्रेस में नहीं जाऊँगी, क्योंकि उस पार्टी ने मुझे अपमान, इतना अपमान सहने को दिया है। आज बताइए, मैंने इस संगठन में इतना काम किया, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे दैवी आपदा का समय हो,
मैंने परिवारों को स्थापित कराया, कोविड के समय मैंने 6800 परिवारों को राशन बांटा और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका में मैं थी। तो उस समय जब मेरे संग ऐसा हुआ है तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कल किसी दूसरी महिला के साथ भी ऐसा हो। तो मैं हर एक महिला की आवाज़ बन के क्षेत्र में जा रही हूँ और मुझे अपार जन संपर्क के साथ तमाम लोगों का मुझे इतना अपार प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस मुकाम पर हासिल करूँ। मैडम, जिस प्रकार से दुर्गा पाल लालकुआ विधानसभा से कांग्रेस कांग्रेस में भी चुनाव करेंगे, उसके बाद क्या समस्या है और लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में जो पूरी होनी है और नहीं कर पाए, क्योंकि आपका एक समझा डाला कोटी का अपना एक मौजूद है, आप दौरा भी करती हैं, इससे पूर्व भी टिकट से पहले भी आप दौरा किया, जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी तभी आपने ब्लॉक में भी तभी आपने दुर्गा काम किया, तो क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे लोग अभी लालकुआ के लोग वंचित हैं? देखिए, लालकुआ के लोग, सबसे पहले तो मैं बात करूं तो हमारा जो लालकुआ का क्षेत्र है, बिंदु खत्ता राजस्व गांव की बात करें, उसको कई पार्टियां आई और गई, हमेशा वोटों के लिए राजनीति हो रही है, उसमें कार्य कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं कहूं लालकुआ में मालिकाना हक, ओवरब्रिज की विशेष मांग है, उससे ऊपर मैं आ जाऊँ तीन पानी जो हमारी NHI की रोड है, 15 वर्षों से लगातार ऐसी तरह से है, उसमें कई भाई बहनों की दुर्घटना हो चुकी है, तो उसके महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके ऊपर मैं आ जाऊँ तो ये हमारा जो इंदिरा नगर का गंदा नाला है, इसको भी ये, क्योंकि हमारी जो खेती है उसमें ये दूषित पानी जाता है, खेती को गंदगी सारी खेती में जाती है। मैं गोलापार आ जाऊँ, हमारा जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है जो स्वीकृत हो चुका था और अभी हवाई पर है, इंटरनेशनल स्टेडियम उसमें अभी भी कोई भी खेल नहीं हो पाए हैं। उसके बाद मैं आ जाऊँ हमारे जो दो ग्राम पंचायत हैं, देवला मल्ला में विजयपुर गांव है, हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं का पहला गांव है, तो उसमें पुल का निर्माण, ग्राम सभा लक्षमपुर में नकेल है उसमें पुल का निर्माण, चोरगलिया जाते समय सिटकुल वाला क्षेत्र है उसमें हमारे बच्चे लोग नौकरी को जाते हैं, पूरा व्यवसायिक है वो क्षेत्र, तो उसमें सेरा नाला जिसमें आए दिन कई जाने भी जा चुकी हैं तो उसका निर्माण, नंदौर नदी द्वारा जो भूमि कटाव होती है उसके लिए चेक डैम, और जंगली जानवरों का जो नुकसान है, और हमारा क्षेत्र एक गोलापार से लगा हुआ है गजेपुर, उसमें अभी तक का रोड नहीं है, तो मेरी प्राथमिकता ये हो रही है, अगर मुझे इस क्षेत्र की सम्मानित जनता अपना आशीर्वाद देगी तो मैं ये काम करने में पूरी तन मन धन ढंग से कार्य करूँगी। मैडम, जिस प्रकार से उत्तराखंड बनने के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने लगातार यहाँ पर जो है काम किया है और राज किया है, लेकिन पूरी की सुविधाएं चाहे कांग्रेस से ही चाहे बीजेपी नहीं धरातल पर कर पाई, सिर्फ हवा हवाए बातें करती हैं। आप कांग्रेस की एक प्रतिनिधि रही हैं, जिस साल कांग्रेस में काम किया है, तो क्या लगता है कांग्रेस भी जो सरकार बना पाएगी या भाजपा बना पाएगी? अगर कांग्रेस बनाती है तो क्या उन्होंने काम किया, भाजपा ने बनाया सरकार बनती तो क्या उन्होंने काम किया? देखिए, अच्छे दिन के नारे दिए थे, उसमें से आप देखते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन जो रोजगार था वो भी छीन लिया गया, और हमारी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर सारी धरना प्रदर्शन करके हमेशा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लगी, उनकी मांगें अभी तक का पूरी नहीं हुई। हमारा युवा जो हमारा भविष्य है वो अभी देख रहा है हम क्या करें, पकौड़े तलने के लिए बोल दिया था क्या हम अपने बच्चे को BTech MTech करा के पकौड़े तलाएंगे, और हमारी जो महिलाएं हैं सशक्तिकरण की बात कहते हैं तो उसके लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर इस क्षेत्र की जनता अगर आशीर्वाद देगी तो मैं इस सभी जितने भी कार्य हैं इसमें खरीद। ये थी हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी संजय लालाकोटी जी, ने साफ तौर से कहा कि अगर जनता मुझे विधानसभा तक पहुंचाती है तो जितने भी कार्य होंगे मैं पूरा करूंगी। आप देखते रहिए हमारे साथ खास प्रोग्राम खास मुलाकात, फिर होगी किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात। नमस्कार।